अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और मैं सो रही थी तो मेरी कैट्स जो हैं ये मेरे ऊपर चढ़ के सोती हैं। ज़्यादातर बच्चे तो दूसरे रूम में ही हैं, जो बच्चे मेरे पास हैं वो सब मेरे ऊपर सो रहे हैं और इनके वेट से मुझे तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी ना। ये मुझे साइड लेने देते हैं और इतना माशाल्लाह मेरे से प्यार करते हैं ना कि बस मेरे ऊपर ही इन्होंने चढ़ के सोना है। कि बच्चों से पूछो ना, आपको मामा ज़्यादा अच्छी लगती हैं? पापा वो साफ साफ बोलते हैं कि मामा अच्छी लगती हैं। बिल्लियों को भी वही हिसाब है, अल्लाह ने इनको ज़ुबान दी होती तो ये मुँह से बोलते। मफिन भी ऐसे ही सोया तुम्हारे ऊपर? हाँ वो भी यहाँ पे सोया मेरे सर पर चढ़ के। ये भी ब्रॉनी, ब्रॉनी ये देखो, मैं ब्रॉनी को बुला रहा हूँ पर ब्रॉनी मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रही। अभी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना है। अभी मैं साइड लूंगी तो सब नीचे गिरोगे। वो छोटे अपने काम पे लगे हुए हैं, वो देखें, वो छोटी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और ब्रॉनी, छोटी ब्रॉनी भी फीड कर रही है और मोनी सो रही है छोटी, और बाकी दोनों फीड कर रहे हैं मदर की। आज लाइफ में पहली दफा बेबी जो है, मिनी के बेबीज में से एक बेबी बिस्किट खा रहा है। ये पता नहीं रे है या राय है, आई थिंक ये राया है। और देखें कैसे खा रही देखो है बिस्किट। ये भी जितनी है अभी, वो कितनी जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। अभी से उसने बिस्किट्स खाने स्टार्ट कर दिए हैं, अभी चलना भी इतना शुरू नहीं किया। ओ ब्रॉनी, ब्रॉनी को दिखाओ, ब्रॉनी बेबी ब्रॉनी। और अब मैं कहवा बना के पीने लगी हूँ, किचन में आ गई हूँ मैं। सुबह सुबह ये देखें यहाँ पे बेबी ब्राउनी जो है, मतलब के फ्लोरा और कॉफी वो आपस में रेसलिंग कर रहे थे और रे और राया खुद रेसलिंग कर रहे हैं। और अब इसने रे ने मुझे देख लिया, अभी बाहर आ रहा है। बहुत माशाल्लाह बच्चे तेज हो गए। वो छोटी नूरी है, ठीक है माशाल्लाह। नूरी की तबीयत भी ठीक है और मैक्स की भी ठीक है। राया बाहर आना आप लोगों ने, अभी मैं इनको बाहर निकालूंगी, फिर ये इतना शोर शराबा करेंगे कि हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। निकालें इनको, बच्चे वहां पर खाना खा रहे हैं। चलो जाओ, बाकियों को भी ले आती हूँ। नूरी नूरी सब खाना खा रहे हैं। नूरी आ जाओ, नुई आओ, सब खाना खाए। नुई ये आप ले जाएंगी, देखा मेरे पास आ रहे हैं अब। शौक भी बहुत होता है बाहर आने का। अच्छा मैंने रात को बनाई थी आलू गोभी और इसके अब मैं बना लूंगी पराठे। ये जो पानी है ना ये इसको मैं ड्राई कर दूंगी या डिस्कार्ड कर दूंगी और फिर मैं इसके अब पराठे आज बनाऊंगी। अभी मैं ये पोटैटो मैशर के साथ जो आलू है ना वो सारे मैश कर लेती हूँ और थोड़ा सा पराठों में ना ज़रा स्पाइसी मटेरियल होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसमें ये सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और ये इतनी सी मैं कूटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ। और ये मोनी ये इस सोफे से जंप करके ना मेरे पास आ गई है देखने के मैं क्या कर रही हूँ। वो छोटी मोनी को
क्या हो गई है, क्या हो गई है? मोनी अपने रूम में जाना चाहती है। मोनी, वो फ्लोरा और मोनी दोनों यहाँ बैठे हैं, उनको पता है कि हमारा रूम है। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। अंदर का तो ठंडी फर्श है ना। नहीं, ये डर रहे हैं, इनके लिए वो नई दुनिया इनको लग रही है। वो तो पढ़नी है अभी, कुछ ही दिनों में अपने खुद ही निकल आएंगे बॉक्स से बाहर। एक है ये ब्रोनी, ब्रोनी, और एक है ये ब्रोनी। मैं इनको अंदर छोड़ के आ रहा हूँ। एक है ये ब्रोनी, लाइट चली गई है, लाइट अब हर दो घंटे बाद जाती है। एक ये ब्रोनी, ये देखें, टू ब्रोनीस। अब मैं इनको अंदर छोड़ रहा हूँ। मफू, माँ ना बुलाए जा रही है। जीवा, आज ये कहाँ पे आ गए आपके बच्चे? देखो पागल हो रही है। हम आपके पास आ रहे हैं। ब्रोनी मेरे हाथ में है छोटी। मोनी की अभी तक देखो, मोनी अभी भी मारती है बच्चों को। मोनी, मोनी चल, कितना प्यारा रहे है। परेशानी तो देखो उनकी, चलते कितना प्यारा है। बहुत ज्यादा परेशान है मोनी। माशाल्लाह छोटी मोनी कितनी बड़ी हो गई है। ये लो मोनी, छोटी मोनी। हाय अल्लाह जी, बहुत बुरी बात है ये। ये देखो ना कितनी प्यारी है मोनी, ये कितनी प्यारी है। हसीन तो है, इतनी हसीन है, तुम्हारी तरह खूबसूरत है मोनी। इतनी मोटो से, और इतनी मोटी मोटू है, और उसको मार पा रही है मोनी से। अच्छा मोनी भी ना बड़े प्यार से हाथ लगाती है। छोटी ब्रोनी बड़ी बड़ी ब्रोनी के मुंह पे प्यार कर रही थी। अच्छा ये इनकी बड़ी बड़ा प्यारा फेस होता है ये इनका, जब ये देखें चैं चैं कर रहे हैं। हाँ क्या हो गया? मेरे हाथ ये रे है ना, रे बिल्कुल मफिन बनेगा। टॉफ टिफी बड़ा खूब हैरान होके देख रहा है, ये कौन है? मैक्स, मैक्स उसे ही देखे जा रहा है, वो छोटी ब्रोनी को। अच्छा छोटी ब्रोनी का कलर बहुत ज्यादा डार्क है ना। मोनी 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 मोनी, छोटी मोनी आ गई तुम्हारे पास। बड़ी धुलाई करती है इनकी। आया था इसका भी बड़ा आएगा। अब मैं तुम्हें किसी दिन कल परसों कीमा ला देता हूँ, कीमे के बनाएंगे नाश्ते में। क्या कह रहे हो? क्या चाहिए? दूध चाहिए, दूध लेके आया है। दूध नहीं मिल सकता, सॉरी। थोड़ा सा दे दो पानी मिक्स करके। अच्छा मुझसे जितने मर्जी बनवा लो पराठे, तुम्हारे ट्रिक से मैंने बनाए थे एक दफा, बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। अच्छा मफू ने पानी पीना था। दे देखो पानी के लिए पागल हो रहा है। देखो आजो आजो आजो, पानी पी लो सारे। ये बिस्किट्स खा के पानी पीती है ना कैट्स, वो देखिए ब्रोनी भी पानी पीने आ गई। चलें जी, एक पराठा तो बन चुका है।
ये दूसरा बंद है, ये खा के चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है, धुएं निकल रहे हैं मेरे हाथ से भी और पराठे से भी। बहुत ही टेस्टी है, कमाल का है। ये देखा, ऐसे पराठा फटता नहीं है। इस बाल्टी में बिस्किट और मुसलसना मफिन से देखे जा रहे हैं। अब देखते हैं मफिन इसमें जा सकता है कि नहीं। जा तो वो सकता है, वो खुद ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्या सोच रहा है वो। मफिन मफिन आप अंदर नहीं जा सकते हो। मफू हाँ बस ले जाते हैं, रुक जाओ मैं इनको खाना दे दूँ। शर्ट पहनाती हूँ, हॉर्नेस पहना कर ले जाते हैं। मैंने भी वॉक करनी है तो ये भी साथ चले। देखते अंदर जाता है कि नहीं। अच्छा इतना बड़ा हो गया, बाल्टी में जाने से डर रहा है। मफू मफू चले जाओ ना अंदर, आ जाओ मफू चले जाओ। माशाल्लाह न्यूट्रल होने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया। इसका ना हेयर टेक्सचर बड़ा सॉफ्ट हो गया। आज का व्लॉग लाइट के बगैर बंद है। आपको पता है स्कूबी का बिल्कुल हेयर फॉल नहीं होता। स्कूबी का क्यों? कल मैंने उसको ब्रशिंग की, उसको बिल्कुल बाल नहीं उसके उतरते। हाई प्रोटीन लेता है ना, इसी वजह से स्कूबी का हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होता। हेयर फॉल इनका भी नहीं होता, मुझसे सारे पूछ रहे होते हैं हेयर फॉल आपकी कैट्स का, आपकी कैट्स का हेयर फॉल क्यों नहीं होता। हम इनको डाइट बहुत अच्छी देते हैं, हम फीड इनको रेफ्लेक्स देते हैं, रेफ्लेक्स बेस्ट है। हम पता नहीं 5 साल हो गए हम रेफ्लेक्स ही दे रहे हैं। अब शॉर्ट भी होती है तो फिर भी हम चिकन दे लेते हैं बीच में स्किप करके, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए या महीने के लिए। फीड हम नहीं चेंज करते, फीड जो आप अपनी कैट को दे रहे हैं इम्पोर्टेड ही दें। जहरी बात अब कॉस्टली हो गई है, अब डालनी तो है लेकिन डालें वही जो आप दे रहे हैं। बच्चे खाना वगैरह खा के ना सो चुके हैं और अभी दिखाती हूँ बच्चे कर क्या रहे हैं। अच्छा जी ये देखें, ये ऊपर इन्वर्टर ऑन है और इनका रूम का टेम्परेचर इतना अच्छा गरम गरम सा हुआ हुआ है ना, इतने रिलैक्स हैं बच्चे माशाल्लाह। आपको सबको दिखाती हूँ, ये देखें आज ये कर्टन्स उतारे हैं, ये भी वॉश करने के लिए डाले हैं। और ये हैं मेरे सारे बच्चे, मैं मफिन सब सो रहे हैं, इतने रिलैक्स होके गर्म होके सो रहे हैं। बगी अब मैं आई हूँ ना तो अब इन्होंने उठना स्टार्ट कर दिया। ये क्या किया बिल्लू आपने, लगता है बिल्लू की लड़ाई हुई है। अच्छा चलो आप मेरे साथ बाहर चलो। तो बस जी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में इंशाल्लाह। बग्गी का गला ख़राब हो रहा है ना, बग्गी क्या हुआ, खांसी आ रही है बग्गी। अल्लाह हाफिज़।